सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे वल्लभ लाल। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। आज से हम एक नया सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व की वीडियो में हमने जाना कि कई लोगों के मन में संशय होता है कि स्त्रियों को शिवलिंग स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्त्रियों को हमने बताया शिवलिंग स्पर्श करना चाहिए। शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ? मुख्य रूप से महादेव के इस धराधाम पर, धरातल पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ठाकुर जी भक्तों के ऊपर, मेरे महादेव भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। अब जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कहते हैं कि जीव यदि अपने जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन मात्र कर लेता है तो जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब कई लोगों की सामर्थ्यता नहीं होती है, या तो धन से कमज़ोर हैं या तन से कमज़ोर हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्राएं नहीं कर सकते। तो महाराज उनके लिए क्या है? तो कहते कोई बात नहीं, आप 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा नहीं कर सकते तो आप यदि 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का श्रवण कर लें तो आपको वो फल सहजता से प्राप्त हो जाता है। तो इस सत्र में हम भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथाओं के विषय में श्रवण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में जो द्वारिका धाम है उससे थोड़ी दूर पे स्थित है। और सबसे पहले बता दें ये मंदिर जो है, ये कहते हैं कि बहुत पहले धनी मंदिर था, मतलब इसमें बहुत सारा धन था। मुगलों के काल में इसे 6 बार तोड़ा गया मंदिर को। 6 बार टूटने के बाद 7वीं बार ये मंदिर 1950 में बना और अब आज महादेव हम सभी को दर्शन देते हैं। और इस मंदिर की एक और विशेष महिमा थी पहले, कि कहते थे कि इसमें जो महादेव थे, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में जो महादेव हैं, महादेव का जो ज्योतिर्लिंग पहले पूर्व काल में वो ज्योतिर्लिंग हवा में स्थित था। अब बाद में क्या हुआ कि जब अत्याचार बढ़ने लग गया, पाप बढ़ने लग गया, तो वो पुनः धरातल पे आ गया, पृथ्वी पे आ गया। वरना कई लोग बताते हैं, कथाएं हैं कि वो ज्योतिर्लिंग पहले हवा में स्थित था। अब हम सभी श्रवण करते हैं कि भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए। अब महाराज ये उस समय की बात है जब दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ ब्याही गईं। ये 27 कन्याएं कौन हैं? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य इत्यादि 27 जो नक्षत्र हैं, यही 27 कन्याएं हैं। इनमें जो रोहिणी जी थी, इनके साथ चंद्रमा का कुछ विशेष प्रेम था। जब अन्य कन्याओं ने देखा, अन्य पत्नियों ने देखा कि हमारी बहन रोहिणी से चंद्रमा अधिक प्रेम करते हैं, हृदय में ऋष्या भाव उत्पन्न हो गया। पिताजी को जाके बताएं, दक्ष प्रजापति आए, समझाएं, नीति युक्त वचन बताएं कि आप सभी को समान प्रेम करें, बहुत समझाए, लेकिन चंद्रमा के कुछ पल्ले नहीं पड़ी। कहते हैं कि व्यक्ति सबको समझा सकता है परंतु दो लोगों को व्यक्ति नहीं समझा सकता है। एक जो समझना नहीं चाहता उसे आप नहीं समझा सकते, दूसरा जो कामी व्यक्ति होता उसे आप नहीं समझा सकते। चंद्रमा के पल्ले कुछ नहीं पड़ा महाराज। अब चंद्रमा को ऐसा कह के दक्ष प्रजापति लौट आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। पुत्रियों ने पुनः शिकायत की, दक्ष प्रजापति ने पुनः समझाया, बार बार समझाने भी जब नहीं समझे, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। बोले मेरी आज्ञा का अवहेलना करते हो, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। अब महाराज चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप लगा तो क्या किया जाए, बड़े परेशान हुए। सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब दक्ष प्रजापति का श्राप है, इस कारण से निष्फल तो नहीं होगा, तो इस कारण से तुम महादेव की उपासना करो, जो दिव्य प्रभासक क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाकर आप महादेव की उपासना करिए, और महादेव का जो महामृत्युंजय मंत्र है उसके द्वारा महादेव की उपासना करिए। अब महाराज चंद्रमा आए हैं और उसके पश्चात महादेव का दिव्य पार्थिव लिंग बनाए हैं, इसके पश्चात महादेव की आराधना प्रारंभ की है। आराधना की महादेव की बड़ी दिव्य, महादेव का पूजन करते करते अब हमारे महादेव तो हैं ही आशुतोष, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। महादेव प्रसन्न हो गए,
प्रकट हो गए। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा पूर्वक जो मेरा ये कष्ट है, श्राप है, इसको नष्ट कर दीजिए। महादेव ने कहा, देखो चंद्रमा, ये जो तुम्हारा श्राप है, ये दक्ष प्रजापति का श्राप तो निष्फल नहीं हो सकता, परंतु हाँ, मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य देता हूँ कि तुम एक पक्ष में तुम्हारी कलाएँ घटेंगी और एक पक्ष में तुम्हारी कलाएँ बढ़ती जाएंगी। तो जिस पक्ष में चंद्रमा की कलाएँ घटती हैं वो कृष्ण पक्ष होता है, और अमावस्या में संपूर्ण कलाएँ घट जाती हैं, फिर शुक्ल पक्ष में बढ़ती रहती हैं, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से महादेव ने वरदान दिया, और जो सोम थे, चंद्रमा थे, महादेव ने उनको अपने शीर्ष पर धारण किया, क्योंकि चंद्रमा पे कलंक लग चुका था महाराज। तो कहते हैं कि कोई कलंकी व्यक्ति होता है, यदि हमारे अंदर इतनी पात्रता नहीं है, हम श्रेष्ठ व्यक्ति का आश्रय ले लें तो हमारी भी महिमा बढ़ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मंगलाचरण में कि चंद्रमा कैसा है, वक्र चंद्रमा है, कलंकित चंद्रमा है, परंतु टेढ़ा होने के बाद भी, कलंकित होने के बाद भी चंद्रमा सर्वत्र पूजनीय हो गया। क्यों? क्योंकि यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते, जिनका आश्रय लेने मात्र से चंद्रमा सर्वत्र वंदित हो गया। ऐसे तो सिर्फ मेरे महादेव हैं। अब चंद्रमा को ऐसा वरदान दिया महादेव ने, अपने शीर्ष पे धारण किए। अब चंद्रमा का एक नाम सोम है, तो सोम के जो नाथ हैं, सोम के जो स्वामी हैं, वो हैं भगवान सोमनाथ। सभी देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु आप अब यहीं पे निवास करिए, और यहीं पे निवास करके आप भक्तों के ऊपर कृपा करिए, जीवों के ऊपर कृपा करिए, ताकि आगे जब समय आए तो जीव यहाँ आए, आपका दर्शन करें, और दर्शन करके अपने कष्टों से निवृत्ति पाए। महादेव ने देवताओं के निवेदन को स्वीकार किया, और सोमनाथ नाम से वहीं पर महादेव विराजमान हो गए। तो बोले, सोमनाथ भगवान की जय। महादेव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर विद्यमान हुए। कहते सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बड़ी महिमा महाराज, यदि किसी को क्षय रोग हो गया हो तो 6 महीने पुनित्य महादेव का दर्शन करे, और दर्शन करके महादेव से निवेदन करे, स्तुति करे, तो जीव का क्षय रोग नष्ट हो जाता है। और वहाँ पे आप जाएं दर्शन करने, तो वहाँ के दर्शन की ऐसी महिमा है कि आपको किसी प्रकार का रोग, असाध्य से असाध्य रोग भी टल जाते, कट जाते हैं। महादेव इस प्रकार से चंद्रमा के ऊपर महादेव ने कृपा की। आज हमने महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण की, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, और महादेव की बड़ी दिव्य महिमा है। कहते हैं एक क्षेत्र में जहाँ पे महादेव विराजमान हैं, श्री सोमनाथ भगवान कहते हैं कि ये मंदिर हमारे इतिहास का जो सबसे धनी मंदिर थे उसमें इसका वो आता था, नाम आता था, परंतु अधर्मियों ने 6 बार इस मंदिर को तोड़ा, और 6 बार इस मंदिर को तोड़ने के पश्चात 7वीं बार ये मंदिर बना, और आज महादेव हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। तो यदि आपकी सामर्थ्यता हो तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप अवश्य जाएं, भगवान सोमनाथ का दर्शन करें। यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है तो सोमनाथ भगवान उसका हरण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और हाँ, ध्यान रखिएगा, कल की वीडियो में आप भगवान के दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। और अंततः मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि आपके जानकारी में कोई ऐसा धार्मिक स्थल आपके क्षेत्र में, शहर में, गांव में कोई हो जिसके विषय में अधिक लोग ना जानते हों, या फिर आपकी इच्छा हो कि उस धार्मिक क्षेत्र के विषय में, उस जो धार्मिक स्थल है उसके विषय में अधिक से अधिक लोग जानें, तो आप उस क्षेत्र की जानकारी, उस स्थान का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी मेल आईडी मिल जाएगी, जीमेल आईडी मिल जाएगी, उस पर आप मेल कर दीजिए, या फिर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम प्रयास करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे कि उस मंदिर के विषय में भी बताएं। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोले सोमनाथ भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय।